नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप वनीला जीनोम डेस्कटॉप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने उबुंटू डेस्कटॉप में, उबुंटू सिस्टम में। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सीधे टर्मिनल खोलना है, उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है sudo apt-, अरे गलती टाइप हो गया, apt-get अपडेट, उसके बाद एंटर मारिएगा, उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद एंटर। और बेसिकली इससे आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद टाइप करना है sudo apt-get install taskshell, एंटर। उसके बाद बेसिकली आपको y, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये इंस्टॉल नहीं करेगा, और आप में बेसिकली उसके बाद y डालना है और उसके बाद एंटर मारना। ये जब इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद टाइप कीजिए sudo taskshell, और उसके बाद नीचे जाना है, और नीचे जाना है Ubuntu डेस्कटॉप, उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे है वनीला जीनोम डेस्कटॉप, इस पर स्पेस दबाना है, स्पेस बार दबा के स्टार लाना है, उसका टैब दबाना है, उसके बाद एंटर मारना है। हम बेसिकली इसको नहीं करने वाले हैं, तो एंटर मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका वनीला जीनोम डेस्कटॉप इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसको इंजॉय कर पाएंगे। बेसिकली लॉक रिबूट करने के बाद लॉक स्क्रीन पर जाइएगा और वहाँ पे बेसिकली डेस्कटॉप चेंज करने का ऑप्शन आता है, उस पर कन्वर्ट करके वनीला पे कर दीजिएगा, उसका एंटर मारिएगा तो आपका खुल जाएगा डेस्कटॉप। तो उम्मीद करते हैं ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा, अगर हेल्पफुल रहा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में भी देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।